वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो आप लोगों ने कहा था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आज जो है हम वीडियो इस पर बना रहे हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जो है आप एक बात को समझ लें कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई सूक्ष्म जीवों का विशेषज्ञ बायोलॉजिस्ट वगैरह भी नहीं हूँ। तो ये जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो ऑनलाइन सोर्सेस से कलेक्ट की गई है, वहाँ से कंपाइल की गई है। तो हर चीज़ 100% सही हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं इस मेडिकल एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस बात को जो है आप ध्यान रखें। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लब्धि शाह का, जिन्होंने जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में जो है मेरी मदद की थी। तो शुरू करते हैं। तो ये जो वायरस है वो आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको पहले समझें। तो रिपोर्ट्स जो है वो ये कहती है कि चाइना में एक शहर है वुहान, वहाँ का जो मीट मार्केट है, वेट मार्केट है, वहाँ से जो है ये वायरस आया है। तो यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतुओं को जो है उनका मांस जो है बेचा जाता है, वहाँ से जो है ये आया है। और पिछले जो वायरस था सार्स, वो भी जो है इसी जगह से आया था, वो भी जो है मीट मार्केट से ही निकल के आया था। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पर उन्होंने कहा था कि चाइना ने जो है इस वायरस के बारे में जानकारी को छुपाया, कई दिनों तक जो है उन्होंने नहीं बताया, और चाइना के लोग इधर उधर दुनिया में ट्रैवल करते रहे, जिसके कारण जो है ये महामारी का रूप जो है ले चुका है। तो सारी दुनिया जो है चाइना को, एक तरह से चाइना ही इस चीज़ की जड़ हो जाती है। और मेरा मानना है कि इसके खिलाफ़ जो है सभी देशों को एकजुट होकर जो है यूएन में प्रस्ताव लाना चाहिए, चाइना से हार जाना मांगना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जितने लोगों की जान गई है उनको भी मुआवजा देना चाहिए। तो चाइना के खिलाफ ज़रूर जो है कुछ एक्शन सबको लेना चाहिए, मिलकर जो है इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं उठाई गई है। अब जो भी वायरस आए हैं जिनसे आज के समय में हम इंसान पीड़ित हैं, उन सब के अगर हम ओरिजिन पे जाएं, तो सबका ओरिजिन जो है एनिमल्स से ही निकलता है। जैसे बर्ड फ्लू 2003 में जो आया वो मुर्गियों से फैला, और मुर्गियों से जो है वो इंसान में आया। मारबर्ग की बात करें, इबोला वायरस की बात करें, नीपा वायरस की बात करें, तो ये चमगादड़ों से आया। चाइना में, कोरिया में, ऐसे देशों में जो है चमगादड़ों का मांस जो है खाया जाता है, वहाँ से आया। स्वाइन फ्लू जो है वो सुअर से आया है, वो उनमें पाया जाता है, सुअरों से जो है इंसानों में फैला। और जो है मर्स करके एक और वायरस है जो कि सऊदी अरब से निकला था, वो ऊँटों से निकला था, तो सऊदी अरब में ऊँटों को खाया जाता है, तो वहाँ से जो है ये निकला। इसी तरह से सार्स जो वायरस है उसका ओरिजिन जो है बिल्लियों से माना जाता है, और बिल्लियों का मांस भी चाइना में खाया जाता है, वो भी वहीं से निकला। एड्स की बात करें तो ये जो वायरस है ये बंदरों से जो है इंसानों में फैला है। तो अगर हम समझें कि जितनी भी महामारी वाली चीज़ें हैं वो सब जो है हमें किसी ना किसी रूप में जो है जानवरों के कारण ही इंसानों में फैल रही है। अब कई सारे जो है मैंने आर्टिकल पढ़े, उन सब में जो है इसी पर जो है बात लिखी गई है। तो बीबीसी का एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, तो वहाँ पे ये लिखा, उसमें काफ़ी विस्तार में लिखा गया है कि क्यों जो है इंसानों को जानवरों से जो है एक के बाद एक जो है नई बीमारियाँ लगने लगी हैं। तो इस पर जो है काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। फिर जो है एक आर्टिकल था गार्जियन में भी जो है इसके बारे में लिखा गया था कि जिस तरीके से एनिमल एग्रीकल्चर इस समय चल रहा है, जो खेती की जा रही है जानवरों की, उसके कारण जो है बहुत सी बीमारियां जो है बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। फिर जो है एक और आर्टिकल यहाँ पे पढ़ा, वो भी यही बोल रहा है कि जो जानवरों की खेती चल रही है वो इंसानों के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, और ये जो है इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है धीरे धीरे बहुत ही कम करता जा रहा है। फिर एक बहुत बढ़िया YouTube पर मुझे वीडियो मिला WHO का, तो इसमें भी जो है वीडियो का टाइटल है हाउ द वाइल्ड लाइफ ट्रेड कॉसेस पेंडेमिक। तो ये चीज़ जो है आप इस वीडियो को YouTube पर देख सकते हैं, अच्छा डिटेल वीडियो है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों जो है एक के बाद एक जो है जानवरों से जो है इंसानों में चीज़ें फैल रही हैं। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, अच्छा वीडियो है। तो अब पूरे इस कारण पे जाएं कि ऐसा क्या हो रहा है। हम इंसान जो है जब से हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से जो है हम मांसाहार करते आए हैं, तब से जो है शिकार के रूप में जो है हम जानवरों को खाते रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। तो पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, अब क्यों होने लगी हैं, तो उसको ज़रा समझें। तो पहले क्या होता था, जानवरों का शिकार किया जाता था।
अब शिकार में और इस तरीके से सीधे बाजार से जाके लेके खरीदने में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब हम शिकार करते हैं तो हम उस जानवर का करते थे जो कि अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रह रहा होता है, अपने नॉर्मल जिस पर्यावरण में उसको रहना होता था वो वहीं पे रह रहा होता था। तो वो अपने नेचुरल हैबिटाट में था, वो खेलता था, कूदता था, दौड़ता था, भागता था, वो एक परफेक्टली हेल्दी जानवर होता था। और तब उसका शिकार किया जाता था, उसको खाया जाता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है इसको समझिए। तो ये दृश्य जो है आपने देखा होगा, बड़ा आम सा दृश्य है। तो मुर्गियों का किस तरीके से जो है पाला जाता है, आप देखिए, इतने छोटे छोटे पिंजरे हैं ये, यहाँ पे वो मूव भी नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, चलना फिरना तो दूर की बात हो जाती है। तो इस पूरे स्ट्रेस भरे वातावरण में जो है उनको पाला जाता है। अब ये जो मुर्गियाँ हैं, ये मल मूत्र जो है वो भी इसी जगह करती हैं, और इधर से जो गंदगी है, बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं, उसी में जो है ये जीती हैं। तो क्या हो रहा है कि इनका पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है अब डिस्ट्रॉयड है, जैसा उनको रहना चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं है। तो पूरी तरह से जो है ये एक स्ट्रेस वाले वातावरण में जीती हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है कि ये सारी की सारी जो है एक तरह से कंप्लीटली अनहेल्दी होती हैं, और इनको जो डाइट दी जाती है वो भी अननेचुरल दी जाती है। तो रिसर्च कहती है दुनिया का 25% सोयाबीन जो पैदा होता है वो इन मुर्गियों को खिला दिया जाता है, ताकि वो जल्दी से तेजी से जो है मोटी हो जाए, बढ़ जाए, और इनको बेच के मुनाफा कमाया जाए। तो ये चीज़ हो रही है अब, क्योंकि ये अनहेल्दी एनवायरनमेंट में है, गंदगी में जी रही हैं, गंदगी में रह रही हैं, तो इनके मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो है जब इनको स्लॉटर किया जाता है तो इनका मीट भी जल्दी सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इनको दी जाती है एंटीबायोटिक। तो सबसे खतरनाक और सबसे थर्ड क्वालिटी की जो एंटीबायोटिक होती है वो इन जानवरों को दी जाती है, इनको खिलाया जाता है। अब जरा कुछ रिपोर्ट्स पढ़ें इस पे, तो रिपोर्ट कहती है कि 80% एंटीबायोटिक जो है लाइव स्टॉक को फीड किया जा रहा है। और एक और रिपोर्ट कहती है कि जितना भी एंटीबायोटिक पैदा होता है चाइना में, वो आधा जो है उसका सीधा सीधे इन पशु पक्षियों को, जिनका मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको खिला दिया जाता है। और अमूमन इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसी ही रिपोर्ट जो है पिछले महीने जो है छपी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में एंटीबायोटिक जो है बहुत हैवी मात्रा में जो है जानवरों को दी जा रही है। तो ये दुनिया के हर देश में जो है ये चीज़ चल रही है कि सारे जानवर जो हैं उनको जल्दी बीमार ना हो, जिंदा बचे रहें, और उनका मीट थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ओवरडोज जो है एंटीबायोटिक की दी जा रही है। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, देवी शेट्टी, जिनको जो है पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल जो है आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो वो आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि चिकन खाना एक तरह से एंटीबायोटिक का कोर्स लेने जैसा है। तो एंटीबायोटिक उसको दी जाती है जो बीमार हो, लेकिन जो बीमार व्यक्ति नहीं है उसको भी अगर एंटीबायोटिक दी जाए तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, वो ये कह रहे हैं कि चिकन खाना जो है एक तरह से एंटीबायोटिक का कोर्स लेने जैसा हो जाता है, और हम जब खा रहे हैं तो लगातार जो है एक तरह से हम जो है एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो है क्या करता है, हमारी रोग क्षमता का धीरे धीरे कम कर देता है, और जो दवाइयों का नेचुरली जितना असर हम पे होना चाहिए उसकी स्पीड भी जो है वो धीमी कर देता है। तो फिर मजबूरी में डॉक्टर को ज़्यादा हैवी डोज देनी पड़ती है जब हम बीमार हो जाते हैं, और ये ज़्यादा हैवी डोज जो है दूसरे अंगों पर जो है साइड इफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, तो इनकी बात में वाकई ही जो है वजन वाली बात हो जाती है। अब कुछ और आर्टिकल पढ़े हमने, तो वायर्ड में एक खबर लिखी है कि फार्म में जो है, फैक्ट्री फार्मिंग में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, और उसका इंसानों के में जो बीमारियां फैल रही हैं उसका क्या कनेक्शन है। तो उस पर भी जो है बढ़िया सा आर्टिकल है जो यही बता रहा है कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने के कारण जो है इंसानों में बीमारियां बढ़ रही हैं, और उनकी बीमारी को काउंटर करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो हमने एक कोर्स, एक कारण को समझ लिया कि क्यों जो है एक के बाद एक जो है जानवरों से बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि जानवर अनहेल्दी अननेचुरल हैबिटाट में उनको रेस किया जा रहा है, इसीलिए जो है ये बीमारियां फैल रही हैं।
अब कोरोना की बात पर आ जाए तो कोरोना के सिम्टम्स जो हैं, बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ़ है, निमोनिया जो है वो भी हो जाता है आपको, और सीवियर केसेस में किडनी फेल हो जाती है, डेथ तक हो सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है बताई जा रही हैं। अब ऊपर के अगर हम सिम्टम्स को देखें तो अधिकतर चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं कि ये सर्दी ज़ुकाम नॉर्मल फ्लू से जैसी हैं, पर एक जो डिफरेंस आ जाता है वो है ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम का। तो अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है और आपको डर लग रहा है कि कहीं ये करोना तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सीधे बैठ जाइए और 5-6 बार जो है गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। सांस आप अगर आराम से ले पा रहे हैं, 10-15 सेकेंड इजीली रोक भी पा रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये करोना वाली बात हो सकती है। अब ये करोना जो है क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्यों जो है महामारी बन रहा है, उस पर भी आ जाते हैं। तो उसको समझने के लिए जो है इस ABCD को हमें समझना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है फैलती कैसे है। तो पहले जो है किसी एक देश में जो है बीमारी होती है, उस देश का कोई नागरिक मान लेते हैं कि वो ए है, वो जो है नए देश में आता है। तो जब वो नए देश में आता है तो क्या करता है, वो अपने घर जाता है। घर में कुछ सदस्य होते हैं जो होते हैं बी, मान लेते हैं कि वो बी हैं। लेकिन एयरपोर्ट से आने से घर तक पहुंचने के दौरान वो कई लोगों के संपर्क में आता है। एयरपोर्ट में गया, वहाँ का वॉशरूम यूज़ किया, कुर्सियों पे बैठा, इधर उधर हाथ लगाए, फिर बस स्टॉप पे गया, वहाँ इधर उधर हाथ लगाए, कई लोगों के संपर्क में आया, पब्लिक टॉयलेट यूज़ की, लिफ्ट यूज़ की, जो बाल कटवाने गया, ये सारी कई चीज़ें उसने एक्टिविटी कर ली। तो इस दौरान जो है वो हज़ारों लोगों के संपर्क में आ जाता है। और ये 1,000 लोग कौन हैं, क्या ये इन्फेक्टेड हैं या नहीं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो होता क्या है, इन अगर बीच वाले लोगों को हम बोलें कि ये बी हैं, तो ये बी को कौन है क्या है इनकी जानकारी सरकार नहीं रख पाती है। अब कोई सीधा एयरपोर्ट पे आया तो उसकी तो स्क्रीनिंग सरकार ने कर ली, पर वो कितने लोगों से मिला है, कितने लोगों के संपर्क में आया और उसके कारण कितने बी पैदा हो गए, कितने इन्फेक्शन हो गए हैं, उसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो ट्रेन हो, सुपरमार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग मॉल हो, वो कई जगह जो है घूम फिर के आता है और वो कईयों को इन्फेक्ट कर देता है। अब जो इन्फेक्ट हो गए हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ही सामने आते हैं, उससे पहले जो है नहीं आते हैं। अब क्या होता है कि इस ए ने हज़ारों बी को जो है ये वायरस पहुंचा दिया, उन हज़ारों बी को भी नहीं पता कि उनमें ये वायरस है, और वो भी आम खुले में घूम रहे हैं और वो भी कई लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि किसको है एक्चुअल में, कितनों को है, और सबकी टेस्टिंग कर लेना भी एक असंभव जैसा काम है। दुनिया का अच्छे से अच्छा देश भी जो है ये काम नहीं कर सकता है। तो बड़ा ही जो है ये पेचीदगी वाली चीज़ होती है। तो इसका इसीलिए एकमात्र इलाज जो अभी सामने आ रहा है वो है लॉकडाउन। तो चाइना ने जो काबू पाया है वो भी लॉकडाउन करके काबू पाया है, इटली में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, और इस संडे को जो है हमारे देश में भी किया जा रहा है। अब ये माना जाता है कि इस वायरस की जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, वो 6 से 12 घंटे की है। तो 6 से 12 घंटे में जो है ये वायरस ऑटोमेटिकली मर जाता है, अगर उसको जो है दूसरी जगह कहीं ब्रीड करने का कोई बॉडी जो है अगर नहीं मिलती तो। इस लॉकडाउन का असर क्या होगा कि जब लोग घर में बैठ जाएंगे कुछ देर के लिए जो है, या एक दिन के लिए, तो क्योंकि इस वायरस की लाइफ 12 घंटे की है और हम इसको 24 घंटे का समय दे देते हैं, तो जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में ये वायरस होगा वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एक्चुअल में हमारा जो सैटरडे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, सैटरडे की रात से, तो हमें एक्चुअल में 40 घंटे का समय मिल जाएगा। तो इस 40 घंटे के दौरान जो है खुली जगहों पे जो वायरस होगा उस पर काबू पाने में हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी, और जो लोग हैं, जो नए लोग जो हैं जो कि इन्फेक्टेड हो रहे हैं दूसरे के कारण, वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये लॉकडाउन जो है एक बहुत ही कारगर जो है उपाय है, इसका मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, हालांकि इसके कारण बहुत सा आर्थिक नुकसान जो है होता है। अब ज़रा हम इस वायरस की स्टेज को समझ लें। तो 4 स्टेज जो है इस वायरस की होती हैं। तो पहली स्टेज होती है इम्पोर्टेड केस वाली, यानी कि कोई इन्फेक्टेड देश से कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में आता है, जैसे चाइना से कोई व्यक्ति जो है इंडिया में आता है, तो वो क्या कर रहा है, वो वायरस को यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पोर्टिंग स्टेज, ये वाली। फिर होती है दूसरी स्टेज,
यहाँ पे क्या होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन या ऐसी देश से आने वाला व्यक्ति जहाँ पे इन्फेक्शन है वो दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, स्टेज 2 शुरू हो जाती है। स्टेज 3 होती है कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली। तो जो हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि जो बी वाले लोग हैं वो स्टेज वाली ये होती है कि वो व्यक्ति आया, हजारों तरह के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों को ये वायरस फैल गया और उनको भी नहीं पता है कि उनको ये वायरस हो चुका है, क्योंकि इसके लक्षण बड़े हफ्तों में आते हैं। तो वो सारे लोग जब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो वो ये वायरस जो है फैला रहे होते हैं। तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली होती है स्टेज 3। और जब फाइनली इन हजारों लोगों में जो इन्फेक्शन हुआ है वो जब एकदम से सामने आने लगता है तो एपिडेमिक वाली स्टेज 4 शुरू हो जाती है। तो अभी भारत चल रहा है स्टेज 2 में और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि स्टेज 3 ना आए, स्टेज 4 ना आए। इटली जो है, ईरान जो है, चाइना जो है, इस स्टेज 4 से गुजर चुके हैं। अमेरिका में जो है इस समय स्टेज 3 चल रही है। तो हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो है काबू पा लिया या हमारे यहाँ बहुत कम केस हैं। कम केस अभी इसलिए हैं क्योंकि हम जो है एडवांस स्टेज में अभी पहुँचे नहीं हैं, तो स्टेज 2 में अभी हम हैं। अब इस ये भी एक वायरस है और वायरस से लड़ने में हमारा इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम भी केपेबल होता है। तो इससे लड़ने की अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, नॉर्मल फ्लू की दवाइयों से ही इसका इलाज किया जा रहा है और फ्लू की दवाइयों और साथ में इंसान की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उससे बचाव करवाती है। तो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको पहले से कोई बीमारी है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नेचुरली जो है कम हो जाती है। तो जो डेथ रेट है कोरोना का वो 90% लोग जो है वो 60+ वाले ही जो है यहाँ पे इससे जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है फलों में, सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन विटामिन जो है वो हीट रेजिस्टेंट विटामिन होता है, यानी अगर हम कोई फल सब्जी को गर्म कर दे ज़्यादा तो उसमें इस विटामिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो फल हो, सब्जियां हो, सलाद हो, कच्चे फॉर्म में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खा सकें खाना चाहिए। इससे जो है हमारी हमारी बॉडी में विटामिन सी का लेवल बढ़ेगा और जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर चीज़ है, वो है विटामिन डी। और ये विटामिन डी हमें मुफ्त में मिल जाती है। तो आपको जो है आधा घंटा जो है धूप जो है रोज लेनी चाहिए, उससे जो है आपको के शरीर को जितनी विटामिन डी की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। तो विटामिन डी ना सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती है, डायबिटीज़ जैसे रोगों से भी जो है हमारे बीमार होने के खतरे को बहुत कम कर देता है। अब भारत में जो है 80% महिलाओं को विटामिन डी की कमी है। उसका एक तो कारण ये है कि जब भी वो बाहर जाती हैं तो अपने शरीर को पूरा ढक लेती हैं, उनको डर रहता है कि हम काले ना हो जाएं, टैन ना हो जाएं। तो ये चीज़ जो है महिलाओं को पसंद नहीं होती है, और बाहर निकलेंगी भी तो सनस्क्रीन लगा लेंगी, उससे जो है अपनी स्किन को ब्लॉक कर देती हैं। तो ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है। तो थोड़ा काले वाले होने का मोह माया जो है उससे हमें दूर हो जाना चाहिए। और अगर आप सूर्य उदय के 2 घंटे बाद या सूर्य अस्त के 2 घंटे पहले जो है धूप में बैठेंगे तो आप काले नहीं होंगे, क्योंकि उस समय जो है जो धूप की रोशनी होती है वो तीखी नहीं होती। तो काले होने वाला काम जो है वो होता है दोपहर की धूप में, जहाँ बड़ी तीखी होती है। और जब भी आप धूप में बैठें तो 1 गिलास पानी पी के ज़रूर बैठें, तो आपके टैनिंग वैनिंग की समस्या जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पानी पी के जाएंगे तो बॉडी में सफिशेंट मॉइस्चर होगा। तो विटामिन डी का डोज जो है ज़रूर लें। तो चाहे तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, पर सप्लीमेंट से ज़्यादा अच्छा नेचुरल चीज़ें होती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों को बॉडी खुद रेगुलेट कर पाती है। आर्टिफिशियल जो हम सप्लीमेंट लेते हैं वो सिर्फ डॉक्टरों की निगरानी में लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा जो है मसाले हैं कुछ जो हमारे आम भारतीय खाने में रोज़ इस्तेमाल होते हैं, वो भी इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं, जैसे कि हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, अदरक है, तो लहसुन है, तो ये भी जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करते हैं। तो इनका भी सेवन जो है हम बढ़ा सकते हैं, इससे भी जो है हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। और जो है हमको योग करना चाहिए, खास तौर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। तो लंग्स पे जो है इस वायरस का बहुत ज़ोरदार अटैक होता है, ब्रीदिंग के इशू होते हैं, इंटरनल इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है, तो उसके लिए लंग्स का स्ट्रांग होना ज़रूरी है।
तो जो है योग रोज किया जा सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला, अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक, या जैसे भी आपकी क्षमता हो। तो ये काम जो है हम सबको करना चाहिए। अगली जो चीज़, एक और जो एडिशनल चीज़ है जो आप कर सकते हैं अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो कोई भी वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाया जाता है उसको भी आप प्ले कर सकते हैं। तो इससे एक तो आपकी एक नई हॉबी डेवलप हो जाएगी, एक क्रिएटिविटी होगी, और साथ में जो है आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या पहले करते थे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे जो है आपके लंग्स को जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो सकता है। तो ये भी बहुत कारगर चीज़ हो जाती है। तो ये सब तो बात हो गई। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टिव मेजर जो सरकार ने अनाउंस किए हैं, जो आपने सुने भी होंगे, वो भी हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हाथ धोना समय समय पे, सोशल डिस्टेंसिंग करना, भीड़ भाड़े वाले इलाकों से जो है खुद को दूर रखना, और जो है आँखों को, नाक को और मुंह को जो है बिना हाथ धोए जो है बिल्कुल भी टच ना करना, खासतौर पर जब आप बाहर से आ रहे हैं, तो इसका जो है हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वायरस है, कफ है, क्लू कोल्ड है, फ्लू है, तो हमेशा जो है मास्क पहन के बाहर निकलें, छींक रहे हैं तो मास्क पहन लें ताकि दूसरे को न पहचे, और मास्क वगैरह नहीं है तो अपनी कोहनी के ऊपर जो है छींकें, उसके ऊपर खांसें, और ताकि दूसरे को ना पहचे पहुँचे, और बाद में जो है आप जाके कोहनी को, हाथ को जो है धो लें अच्छी तरीके से, और नॉर्मल पर्सनल हाइजीन को फॉलो करें, जैसे कि रोज नहाना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम नॉर्मली कर सकते हैं। सरकार जो है इसके बारे में चारों तरफ जो है इसके बारे में बोलती ही जा रही है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। और सरकार जो बात कर रही है जनता कर्फ्यू की, उसमें भी हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। मंदिर वंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, नमाज पढ़ना हो, ये सारी चीज़ें जो है कुछ समय के लिए रोक देनी चाहिए। जो काम करना है प्राइवेटली घर पे कर लीजिए। तो ये रही आज की बात कोरोना वायरस के बारे में। इसमें जो है कुछ और अगर आप जोड़ना चाहते हैं, कोई बात मैंने मिस कर दी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं। जय।